हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन, लर्न टेक टू टेक चैनल। सर, ये मेरा प्रोग्रामिंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कि जो भी नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वो पैलिंड्रोम है या नहीं, जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, कि अगर कोई नंबर आप इनपुट किए हैं और वो नंबर आप शुरू से अगर उस नंबर को पढ़ेंगे तो जो नंबर होगा वो अगर आप रिवर्स साइड से भी पढ़ेंगे तो भी वही होना चाहिए। जैसे 121, तो 121 को आप स्टार्ट से पढ़ेंगे तो भी 121 है, और अगर आप बैक साइड से पढ़ेंगे तो भी 121 है। तो चलिए उसका प्रोग्राम देखते हैं। और उससे पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नाम, जिसमें हम लोग जो है एक नंबर इनपुट लेंगे, क्योंकि इसी नंबर को मुझे चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। तो मैं इंटर द नंबर एक मैसेज दे देता हूं, उसके बाद मैं स्कैनफ और परसेंट डी और एम्परसेंट नम, तो हमने नंबर इनपुट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक टेम्प में नम को रख देंगे, क्योंकि बाद में हमें चेक भी करना होगा कि ये जो नंबर है वो हमारा जो रिवर्स करके नंबर आया है उससे इक्वल है कि नहीं। तो मैं नम को एक टेम्प वेरिएबल में रख देता हूं, बाद में आपको समझ में आएगा क्यों मैं रख रहा हूं। और उसके बाद वाइल नम, नम जब तक जीरो नहीं हो जाए तब तक मैं इस लूप को चलाऊंगा। अब एक्चुअली लॉजिक क्या है, लॉजिक हमारा ये है कि अगर सपोज दैट हमने 1 2 3 इनपुट लिया और मुझे चेक करना है कि पैलिंड्रोम नहीं है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले 3 को एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर उसे मैं लिखूंगा यहां पर 3, ठीक है। उसके बाद मैं 2 को एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर लिखूंगा 3 को 2 को 3 के बाद, और फिर 1 को एक्सट्रैक्ट करूंगा और 1 को लिखूंगा 2 1 के बाद, फिर इन दोनों को चेक करूंगा ये इक्वल है या नहीं। अगर नहीं इक्वल है तो पैलिंड्रोम नहीं है, और अगर इक्वल है तो पैलिंड्रोम है। तो ये हम यहां पर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा, लास्ट डिजिट को लेने के लिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया लास्ट डिजिट को लेने के लिए आपको क्या करना है, 10 से मॉड्यूलस आपको निकालने हैं। तो आप मॉड्यूलस जब निकालेंगे, आपको मॉड्यूलस निकल गया, फिर आपको एक रिवर्स आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, और रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब ये मैंने क्यों लिखा है अभी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं रिवर्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, जो जो भी वेरिएबल हम यहां पर यूज कर रहे हैं, और उसके बाद एक रिमाइंडर नाम का भी वेरिएबल लेना जरूरी है, क्योंकि यहां पर रिवर्स को यूज कर रहे हैं और वहां पर देन प्लस भी कर रहे हैं। तो रिवर्स को हम यहां पर इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, उसके बाद रैम कर दिया, उसके बाद चूंकि लास्ट डिजिट हमने निकाल लिया तो उसमें से अब लास्ट डिजिट हम निकाल लिए, यहां से मॉड्यूलस से क्या मिल गया, मुझे लास्ट डिजिट मिला है, पर लास्ट डिजिट अभी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट जब लूप चलेगा तो लास्ट डिजिट हमें निकल जाना चाहिए। तो यहां पर नम बाई 10 करेंगे तो क्या होगा कि नम का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, पर अब जो नम का वैल्यू होगा उसमें लास्ट डिजिट नहीं होगा। अब ये हो गया, अब इसके बाद ये जब लूप चलेगा, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं कि सपोज डेट, अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज डेट आपने 1 2 1 इनपुट दिया और आपको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो यहां नम में क्या आएगा 1 2 1। अब यहां पर जब आप करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 1 मॉडुलस 1, तो यहां पर क्या आएगा, केवल 1, ठीक है। अब आप देखिए कैसे काम करेगा, यहां पर रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स अभी फिलहाल 0 है, इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 है तो यहां पर 1 आएगा। मैंने इसको रिवर्स को 0 से इसलिए किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आएगा वो आपका यूनिट डिजिट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, 1 2 1 को जब हम डिवाइड कर लेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं नम, तो 1 2 1 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट केवल 12 बचेगा, तो नेक्स्ट टाइम यह नम की वैल्यू क्या जाएगी, 12। अब यहां पर अब हम 10 मॉड्यूलस करेंगे, सॉरी यहां पर 10 लिखना पड़ेगा, तो अब 12 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो यहां रिजल्ट क्या आएगा, 2। और अब यहां पर क्या होगा, रिवर्स का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू 10 प्लस 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। और यहां पर फिर इसमें डिवाइड करेंगे 10 से तो रिजल्ट आ जाएगा 1। अब फिर नम का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स इट इज अगेन ट्रू, तो यहां पर फिर से आएगा यहां 1 मॉड्यूलस 10, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, और फिर यहां पर 12 इंटू 10 प्लस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 121, तो अगेन 121 आ गया। फिर 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या होगा, 0, तो यहां पर वैल्यू 0 आने पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा, पर रिवर्स में अभी क्या वैल्यू आ गया, 121। अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे,
टेम्प का वैल्यू, क्योंकि ये टेम्प में वो वैल्यू है जो आपने ओरिजिनली इनपुट लिया था, और रिवर्स में वो वैल्यू है जो आपने उसको रिवर्स करके लाया है। और अगर ये दोनों इक्वल होगा तो आप इसमें बोलिएगा कि इट इज द पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो इसमें हम बोलेंगे नॉट अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नहीं है। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से इसको हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। तो इसको हमने सेव कर लेते हैं, अभी देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि ये सही तरीके से एग्जीक्यूट, तो बिल्कुल ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मैं 1, 2, 3 लिखूंगा तो चूंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है तो बता रहा है ये पैलिंड्रोम नहीं है। और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूं और इस टाइम मैं इनपुट देता हूं 1, 2, 3, 2, 1। तो आप देख रहे हैं इसको चाहे इस बैक फ्रंट साइड से पढ़े चाहे बैक साइड से, दोनों 1, 2, 3, 2, 1 ही है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, पैलिंड्रोम, और बिल्कुल पैलिंड्रोम आ रहा है। तो यहां पर देखा दोस्तों आपने कितने सिंपल तरीके से मैंने यहां पर पैलिंड्रोम के प्रोग्राम को लिखने की कोशिश की, और आई होप कि आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी भी आपको मन में कोई डाउट है तो कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।